हेलो राउडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और मैं आप सभी को अपना फैकल्टी दिखाने ले चल रहा हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ मेरे फैकल्टी स्टार्ट। चलो जैसा कि आगे ले जाओ। हे गाइस, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गेट से एंट्री करते ही पीछे हमारे पार्किंग जोन है जो हमारे फैकल्टी के जस्ट सामने है। हम फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको सब मानविकी के नाम से जानते हैं। हे गाइस, तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते होंगे मानविकी संकाय, तो आप इसके अंदर जा रहे हैं और आप उस बोर्ड पर देख सकते होंगे कितने सारे विभाग लिखे हुए हैं। ये सारे विभाग इस संकाय के अंदर हैं। उसको पढ़ तो ले दो। तो हम भैया से मिल रहे हैं माँ मंत्री पद के लिए जो लड़ रहे हैं, अभिषेक भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अच्छा लगता है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई लोग का, शेयर करें, लाइक करें। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और मैं इस वर्ष छात्र संघ भवन चौन लड़ रहा हूँ और आप सभी को साथ और चार आकांक्षी हूँ। अब विश्वविद्यालय में एक नई जो एजुकेशन होता है और एक इन्वायरमेंट है, हम चाहते हैं अच्छा बेहतर बने। और जो भी लोग भी देख रहे हैं सब लोग शेयर करें भाई का वीडियो और लाइक करें। धन्यवाद। तो ये मानविकी संकाय का कार्यालय आप सभी देख सकते होंगे और इधर ही राइट साइड में मानविकी संकाय का अध्यक्ष का कक्ष है जो कि इस चैनल के उस पार है। और अब हम चलते हैं अपने मानविकी विभाग में। अरिस्की मतलब ये मानविकी संकाय का विंडो है पर इसे लोग अपने बाल संवारने मिरर के इस्तेमाल करते हैं। इसको मिरर के रूप में अपने बाल संवारते हैं, लड़कियाँ अपनी जुल्फ़ें संवारती हैं और मैं भी इससे बहुत यूज़। अब आगे चलते हैं मानविकी संकाय के अंदर। चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूँ और मैं अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। आर्यन जो अभी बात कर रहा है अपने पापा से, और ये रजत है जो बहुत ही अच्छा रैप करता है, रैप लिखता है। चलिए अब हम आपको अंदर की ओर ले चलते हैं। और ये दर्शन शास्त्र विभाग है जो कि मेरा सब्जेक्ट है, फिलॉसफी। और वो देखिए मेरा भाई अभी पीछे आ रहा है, आर्य मॉडल। तो चलिए आपको आगे की ओर ले चलते हैं। ये गर्ल्स कॉमन रूम है और इसके आगे ये पुस्तकालय और इसके आगे स्मार्ट रूम जो कि बहुत ही कम खुलता है। ये अगर आप मानविकी विभाग में आए तो इसके दर्शन आपको बहुत ही रेयर होंगे। तो मैंने तो किया इसका दर्शन, क्या पता आपको भी मिल जाए। अब एक कंडीशन है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी क्लासेस यहाँ पे चलती है मानवीय विभाग की। ये पूरी क्लासेस है लाइन से और मेरी फेवरेट क्लासरूम है रूम नंबर 17 जिसमें हम हमेशा बैठते हैं। मतलब यहाँ का पंखा काफ़ी तेज़ हवा देता है तो ये रूम हमारे लिए बेस्ट है। हम यहाँ चिल करते हैं दोस्तों के साथ। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वाटर टैंक जो कि मानवीय विभाग में इकलौता वाटर टैंक है जिसमें पानी तो बहुत मुश्किल से आता है और आता भी है तो ठंडा तो भूल जाइए आप सब। तो भाई ठंडा ही नहीं आ रहा है। चल अरे बस कर। ये तो आपको आगे ले चलते हैं और आप सभी मेरे सामने देख सकते हैं मेरे दोस्तों कुछ क्लास में घूम रहे हैं पर इनकी क्लासेस सस्पेंडेड है अभी क्योंकि यहाँ एग्जाम होने वाले हैं 2 बजे से। तो आगे आप जाएंगे तो वॉशरूम है बॉयज़ के लिए जो कि बहुत ही कोने में कोठे में वो मत दिखा। मेरे पीछे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी की क्लासरूम है और उसके बगल में ही ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी की। ओके
और हम आगे चलते हैं और ये क्लासेस रूम है, यहाँ पे रूम नंबर 10, रूम नंबर 9, रूम नंबर 7, यहाँ से आगे से एक स्टेयर है, आप सभी को वह नहीं दिखेगा क्योंकि हम उधर जाएंगे भी नहीं, तो आपको दिखाते हैं आगे संस्कृत विभाग, सभी देख सकते हैं यहाँ मेरे बगल में संस्कृत विभाग है, दिखाओ फिर संस्कृत विभाग के पीछे ही उर्दू विभाग है, वो हमने स्किप कर दिया है तो वो मैं आप सभी को नहीं दिखा पाऊँगा, तो चलिए आगे चलते हैं और क्लासेस देखते हैं, ऊपर की क्लास ऊपर की कॉरिडोर घुमाता हूँ, आप सभी देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, आप सभी को मैं थोड़ी देर में ऊपर ले चलता हूँ ऊपर की कॉरिडोर घुमाने, और ये हिंदी विभाग है संस्कृत विभाग के आगे ही जस्ट, और हम आ चुके हैं उसी जगह पे जहाँ से हमने शुरू किया था, और इसके बगल में ही राइट हैंड साइड पे स्टेयर्स हैं, आगे चल के हम इसी से ऊपर जाएंगे और आपको ऊपर के कॉरिडोर का व्यूज़ दिखाएंगे, और यहाँ पे ऑफिस भी है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, और मेरा दोस्त जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का है, इसका जर्नलिज्म सब्जेक्ट है, और मेरे दोस्त से मिली है रजत, हाय नमस्कार मैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी है जहाँ ताला बंद है और आगे भी कुछ नहीं है, तो अब हम आगे चलते हैं, ले चलते हैं थिएटर रूम में जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, इधर ये है थिएटर रूम, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये खुला है, हमेशा ही बंद रहता है, यहाँ पे हमारा बी ए फर्स्ट ईयर का फ्रेशर्स हुआ था और हम यहीं बैठे थे ऊपर फर्स्ट ईयर के बच्चे सारे, और यहाँ पे मेरा भाई रजत रैप किया था, मस्ती क्या बता तुम लोग भी वहाँ, ये आपको दिखाते हैं मानविकी संकाय से हमारा फ्रंट डोर कैसा दिखता है, हमारा मानवीय संकाय का एंट्री गेट है, वो थिएटर विभाग के आगे ही यहाँ पे स्टेयर्स है नीचे जाने के लिए, और आप मेरे सामने देख सकते हैं इतिहास विभाग, इसी के बगल में हिस्ट्री क्लास चलती है रूम नंबर 23 में, ओके क्लास हमारी इसी में चलती है, तो ये जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के सामने ही रूम नंबर 24 में जर्नलिज्म की क्लास चलती है, और ये हमारे भैया जी ने पढ़ रहे हैं करो भाई कुछ तो करो, हाय कर दो यार, अरे जर्नलिज्म की क्लास है जो कि अभी यहाँ क्लास सस्पेंडेड है, तो यहाँ पे बच्चे हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं, हमारे भाई हैं, हाय कर दो उनसे, हेलो, तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं, और आगे सिर्फ क्लासेस हैं जो कि अभी बंद चल रही है क्योंकि अभी एग्जाम होने वाले हैं 2 बजे से, तो आइए पर तब भी आपको क्लासेस दिखा देता हूँ, 4 लेक्चर्स रूम है जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के बगल में है, तो चलिए आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट ले चलते हैं और आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट दिखाते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास, यह हमारा मानविकी संकाय का गार्डन है, ये देख सकते हैं बढ़िया है, और थैंक यू गाइस मेरी वीडियो इतने देर तक देखने के लिए, और मैं आप सभी को अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ जो इस वीडियो में मुझे काफ़ी सपोर्ट किए हैं, फ्रंट करो उनसे पहले, और ये मेरा भाई मॉडल आर्यन, और ये रैपर रजत, और ये कैमरामैन मेरा भाई अविनाश,
तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर।